फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हो आप सब? आज है ट्यूसडे और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर बनाकर लाई हूँ मेरे लिए मटर की चाट। तो अभी इसको खाने वाली हूँ और अभी मैं बस ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट से मेरे घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो आज मॉर्निंग में ही मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर दिया है जो कि घर की क्लीनिंग का ही था। तो जैसे कि दिवाली पास आती जा रही है तो बस मैंने घर की क्लीनिंग करना तो स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही देखते हैं आज मार्केट मैं जा पाती हूँ या नहीं, क्योंकि आज मार्केट जाने का पूरा पूरा प्रोग्राम है और आज मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, दोनों यहाँ पर सो रहे हैं और कल ये दोनों नीचे ही सोए हैं। बहुत ज़्यादा इन लोगों में झगड़ा होता है दादी के पास सोने के लिए। तो कल काव्या पहले नीचे रह गई थी और जैसे ही कार्तिक ने देखा कि काव्या ऊपर नहीं आई है तो फिर ये भी आ गए कि नाइट में मुझे बाबा से स्टोरी सुननी है। और आज ट्यूसडे है तो इनके स्कूल की छुट्टी नहीं है। आज कार्तिक के स्कूल में बच्चे गए हैं पिकनिक पर, तो जो पिकनिक स्पॉट है काफ़ी ज़्यादा दूर था, लगभग 1.5 से 2 घंटे एक साइड से ही लगने थे इनको जाने में। तो फिर मैंने इनको पिकनिक पर नहीं भेजा है क्योंकि त्यौहार का टाइम है, बहुत ज़्यादा रश होता है और मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी उल्टा सीधा हो। तो फिर मैंने इसको नहीं भेजा, मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम आप चले जाना। और ऐसा कुछ खास इवेंट वगैरह वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे घुमाने की पर्पज़ से ले जा रहे थे। तो आज ये दोनों नहीं गए हैं, कार्तिक की वजह से काव्या भी नहीं गई है कि फिर ये इतनी दूर अकेले स्कूल जाती। दोनों साथ में जाते हैं तो ठीक रहता है। और बस आज सुबह को उठने के बाद फटाफट से पहले तो मैंने मटर बॉईल करने रख दी थी और उसके बाद फिर मैंने ऊपर जाकर पहले घर की क्लीनिंग की, नहाया, पूजा की और अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है और ये मैंने मटर रेडी किया है तो मम्मी को मैंने दे दिया है और मैं यहाँ पर खा रही हूँ। तो अभी बस फटाफट से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद मैं करूँगी पहले घर की क्लीनिंग। तो गाइस, मैं यहाँ पर फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस, तो यहाँ पर बस ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट से मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग करने में। तो आज मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ मम्मी का बेडरूम। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बेडशीट हटाकर एक साइड में कर दी है जिससे कि उस पर ज़्यादा डस्ट ना हो, क्योंकि अभी मैं न्यू बेडशीट नहीं बिछा रही हूँ। न्यू बेडशीट मैं दिवाली पर ही बिछाऊंगी और ये बेडशीट भी मैंने अभी चेंज की थी तो दो एक दिन पहले ही, तो इसलिए अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। तो जो भी सामान है ऊपर की तरफ सबको मैं हटाकर अच्छे से झाड़ कर पोछ कर अच्छे से सेट करने वाली, उसके साथ ही जाले वाले सब हटाकर साफ करूँगी। तो सारी डस्ट जो भी रूम में है सारा सब कुछ निकाल दूँगी। और आंटी आ चुकी हैं किचन में तो आंटी बर्तन निकाल कर बाहर ले जाएंगी, वो अपना आंगन में बैठकर बर्तन धोने वाली है। और मैंने यहाँ पर ये झाड़ू ले लिया है तो जहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा मैं वहाँ पर झाड़ू से क्लीनिंग करने वाली हूँ। और इसके साथ ही आज मैंने क्लीनिंग में बहुत सारा जो भी सामान था फालतू का जिसका कोई काम नहीं है, और ऐसा हो जाता है कि हम रखते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या क्या सामान ऐसे ही इकट्ठा कर लिया है, तो वो सारा सामान मैंने हटा दिया है। और अभी मैंने मेरे फेस को कवर कर लिया है क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के पास इस कोने में बहुत ज़्यादा डस्ट थी तो थोड़ा सा डस्ट से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने फेस पर मेरे दुपट्टे को अच्छे से बांध लिया है। मैंने ड्रेसिंग टेबल को आगे की तरफ खिसका लिया है और ये बनवाई हुई ड्रेसिंग टेबल है तो बहुत ज़्यादा भारी है और इसके पीछे मैं झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के बैक साइड में और जिस वॉल के साइड में ही रहती है तो वॉल पर भी बहुत ज़्यादा जाले हो रहे थे तो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ये छोटी वाली अलमीरा है इसके ऊपर से मैं सारा सामान हटाकर यहाँ पर अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक पन्नी बिछाई हुई है तो मैं उस पर टेपिंग कर रही हूँ और बस यहाँ पर अलमीरा को खिसका कर इसके पीछे से सारा सब कुछ अच्छे से डस्ट निकाल दूंगी। तो पूरे रूम की बस इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी और ये गिफ्ट इन्होंने मुझे दिया है, एक्चुअली ये गिफ्ट आया है बैंक की तरफ से। तो ये मुझे बोल रहे थे कि अभी खोल कर देखो क्या है, तो ये बेस्ट कस्टमर के लिए, देखते हैं इसमें निकलता क्या है। पैसे निकलेंगे खावे कह रही है मम्मा, पैसे निकलेंगे, कुछ दिवाली गिफ्ट होगा है ना।
वाओ ब्यूटीफुल, अच्छा गिफ्ट है ना, पाउल से ये मम्मी जी गिफ्ट अच्छा है पाउल से। तो देखिए सफाई करते करते बीच में मैंने आपको खोल कर दिखा दिया, और ये बोल रहे थे कि जो बैंक वालों ने जो अच्छे कस्टमर हैं उनके लिए ये गिफ्ट दिया है, दिवाली गिफ्ट। तो अभी जब मैं क्लीनिंग कर रही थी उस टाइम पर इनके पास बैंक वाले लोग आए हुए थे। तो आजकल ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि हमें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ये है नाश्ते के बाउल, और रियली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और फेस्टिवल में काम भी आने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको गिफ्ट? तो ये गिफ्ट तो देख लिया है, फटाफट से अपनी सफाई कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पर कर रही थी ये अलमीरा के ऊपर, मैंने यहाँ पर एक ये पन्नी बिछाई हुई है और मैंने इसको टेपिंग कर दी है जिससे कि अपनी जगह से हटे ना, और ये थोड़ी छोटी थी तो मैंने इसको डबल कर यहाँ पर अभी थोड़ा सा टेप लगाना बाकी है। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें रहती हैं जो मम्मी के काम की हैं, तो जैसे मम्मी भूल जाती हैं, तो लाइट का बिल हो गया, दवाइयाँ हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और ऊपर ये सारा सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, ड्रेसिंग टेबल अभी मुझे अंदर से क्लीन करना है, और आंटी आ गई है तो आंटी बर्तन क्लीन कर रही है, थोड़ा सा देर हो गई है, तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। Hey guys, तो घर की क्लीनिंग हो चुकी है और मैंने मेरा हाथ मुंह धो लिया है, और अभी कपड़े चेंज नहीं किए हैं। आज मैंने पुराना सा ही सूट पहना था, कल भी मैंने ऐसे ही पुराना सूट पहना था, तो मैं बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई हूँ, तो मैंने अपने कपड़े ऐसे ही झाड़ लिए, और इसके साथ ही हाथ मुंह धो लिया। तो गीले पानी से गीले हाथ करके सारे अपने हेयर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, और आज मुझे मार्केट जाना है तो इसलिए मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए हैं। तो जब मार्केट जाऊंगी तभी कपड़े चेंज करूंगी, और पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, और वो वाला रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है, और आंटी है कुछ नहीं, और काव्या कार्तिक यहाँ पर खेल रहे हैं। हेलो काव्या। हेलो कार्तिक। हेलो काव्या ने तो पूरा मतलब काव्या आप मतलब कपड़े देखो कैसे हो रहे हैं बेटा, अपना सामान ठीक हटा लो, अपना सारा सामान हटाओ, ये आंटी क्लीनिंग करेंगी यहाँ पे, हटाओ सारा सामान हटा के उधर रख लो बेड पे, ऊपर रखो बेड पे। और जब तक मैं क्लीनिंग कर रही थी मम्मी बना रही है किचन में कड़ी, तो अभी दो रूम क्लीन हो गए हैं, तो बाहर चैनल का भी मैंने आज झाड़ू मारकर क्लीन कर दिया है, और धीरे धीरे कर बस इस तरीके से मैं घर की क्लीनिंग करने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा थकूँ भी ना और भी सारे काम हो जाएँ। तो मम्मी कड़ी बना रही है, बस थोड़ी देर के बाद मैं रोटी वगैरह बना दूँगी, और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी 2 बज गया है और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ साड़ी पहनकर, और मैं जा रही हूँ मार्केट, और मेरे साथ यहाँ पर काव्या है। काव्या हेलो बोलो। काव्या भी जा रही है मम्मा के साथ मार्केट, और काव्या बोल रही है कि मम्मा आप डेली ये साड़ी पहनकर ऐसे क्यों जाते हो, ये वाले कपड़े क्यों पहनते हो, आपने मॉर्निंग में जो पहने थे वो वाले पहन लेते, क्या पहनते हो, कुर्ता पजामा, कभी कभी टी शर्ट पहन लिया करो, जीन्स पहन लिया करो, है कौन सी ड्रेस पहन के चलूँ मार्केट, अलग अलग ड्रेस पहन के चला करो इनको क्या पता कि क्या मैंने पहना है। और काव्या कह रही मम्मा इतने दिन हो गए आपने टी शर्ट नहीं पहनी है, है काव्या टी शर्ट पहन के घूमने चले, ठीक चलो। तो गाइज आज ट्यूसडे भी है, तो पहले मैं मार्केट जाने से पहले जाऊंगी मंदिर, और उसके बाद जाऊंगी मार्केट, और आज क्या शॉपिंग होकर आती है ये आपके साथ वापस आकर शेयर करूंगी, तो वीडियो को देखते रहिए। अभी मार्केट चलना। Thank you.
खड़ी हुई है और कार्तिक नहीं आया है। कार्तिक आता तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता। और ये बहुत बड़ा मॉल है, बहुत अच्छा है और मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। और बहुत जल्दी नहीं आती हूँ मैं, जब कोई शॉपिंग करनी होती है तभी आती हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट हैं और जो सामान लगा हुआ है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लोकल फरकाबाद से जो लोग बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। कपड़े और जो भी हमारा ग्रॉसरी वगैरह होता है सारा सब कुछ बहुत अच्छे से मिल रहा है। और बस जैसे ही मेरा बिल हो चुका है, बट जो चेकिंग होती है गेट पर तो अभी वो हो रही है। और जैसे ही सामान सब कुछ हमारा चेक हो जाएगा और मैं जाऊंगी सीधा घर, और घर पहुंचने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या परचेज़ किया है। फाइनली आज मेरी शॉपिंग हो गई है और यहाँ पर थोड़ा म्यूज़िक चल रहा है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आने वाली है। और चलिए घर चलते हैं। हे गाइस, तो मैं घर वापस आ गई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना पहले आपके साथ मैं शॉपिंग शेयर कर दूँ, उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी और फिर चाय पीऊँगी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और मैं घर से गई होंगी लगभग 2:30 बजे। 2 बजे हमने खाना खाया, उसके बाद बस रेडी होकर फटाफट से मार्केट चले गए थे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था और आज मैं खुश भी हूँ कि चलो घर की क्लीनिंग भी होती जा रही है, साथ ही साथ आज मेरी थोड़ी सी मार्केटिंग भी हो गई है। तो मैं लेने गई थी आज, सबसे पहले तो मैं बच्चों के कपड़े लेने गई थी। तो पहले मैं एक ड्रेस लाई थी, फिर मैंने उसको चेंज किया और पहले कार्तिक के लिए लाई थी, वो वाली ड्रेस बहुत अच्छी थी मगर इसको पसंद ही नहीं आई तो फिर मुझे उसको चेंज करना पड़ा। और आज मैं चेंज करके इसके लिए फिर से एक ड्रेस लाई हूँ। तो ये चेक में है और अंदर ये डॉट डॉट करके लाइट कलर की शर्ट है और इसकी पैंट भी सेम है इसी चेक वाली, तो इसमें टाई वगैरह सब कुछ दी हुई है। तो अभी इनको पहनाकर देख ली है तो ये बिल्कुल ठीक ही है लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो हम देखते हैं इसको रखेंगे या नहीं रखेंगे। और वैसे अच्छी ड्रेस थी, इनको ज़्यादा अच्छी लगी थी। और इसके बाद अभी और भी बहुत सारी आज शॉपिंग हो गई है और मैंने इनको ज़बरदस्ती करवा दिया। ये नहीं करना चाह रहे थे, अपने लिए कुछ भी नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो ले लो, अभी दिवाली आने ही वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि एंड दिवाली पर ही हम मार्केटिंग करने जाएं। और उसके बाद जहाँ पर हम गए थे वो था वी मार्ट, और यहाँ का वी मार्ट बहुत 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 अच्छा है। और यहाँ पर अब बहुत सारे मॉल हो गए हैं। तो जब हम कार्तिक के बर्थडे पर गए थे शॉपिंग करने तो उस टाइम पर हमने बहुत सारे मॉल घूमे थे कि कहीं पर कुछ अच्छा लग जाए, लेकिन इन्होंने आज बोला कि चलो उस दिन तो हमने बहुत सारे मॉल घूम लिए लेकिन वहाँ पर कुछ सब कुछ देखा हुआ है तो आज कुछ न्यू चलते हैं। तो आज हम लोग नई जगह पर गए थे और ये एक टी शर्ट ली है कार्तिक के लिए, और बताना किसकी ड्रेस कैसी लगी। तो ये कार्तिक की बुलन की टी शर्ट है और एक ये काव्या के लिए लिया है, और फैंसी ड्रेस नहीं लिया है जैसे कि मौसम ठंडा हो गया है और हमारे यहाँ तो ठंडा हो चुका है अच्छा खासा। और एक ये काव्या की टी शर्ट है और इसके बाद काव्या की एक जीन्स है। काव्या मेरे सामने ही बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है ये इस तरीके से। और फैंसी ड्रेस भी दिखाई थी जहाँ से मैंने कार्तिक की ड्रेस तो एक शॉप से ली थी वहाँ पर, और अभी ये एक इनकी टी शर्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी। ये हाफ है और एक ये बुलन है, ये आगे से यहाँ पर रेगजील लगी हुई है और ये बहुत गर्म है। और बैक में प्लेन है, बस सामने और कॉलर पर यहाँ पर दी गई है रेगजील, और ये अच्छी लग रही थी। जब ये सब लोग पहनेंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक इनकी ये बुलन टी शर्ट है। तो अभी यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, हल्की हल्की सर्दी हो गई है, 2 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसी वजह से कि अब ठंड आने ही वाली है तो गर्मी वाले कपड़ों का कोई काम नहीं है। ये 2 इनकी जीन्स है, ये एक डार्क और एक ये लाइट। और इसके बाद बस थोड़ा सा घर का सामान है, ये एक पोछे का पैक है। तो इसमें कितने निकलने वाले हैं, 3 या फिर 4 निकलेंगे मुझे नहीं पता, मेरा एक भांजा वहाँ पर मिल गया था तो बोल रहा था इसमें 3 या फिर 4 होंगे तो फिर मैंने एक पैक ले लिया। और बच्चों का एक बॉर्नविटा के साथ एक ये हाफ केजी है, हाँ इसके साथ एक ये छोटा पैक फ्री है। और इसके साथ ही बच्चों के ये बिस्किट हैं चॉकलेट के, तो ये 4 पैक ले लिए हैं पूरा
वाई टू गेट टू फ्री लिखा हुआ है, बट होता कुछ नहीं है, सारा सब कुछ रेट तो उसी में एडजस्ट होते ही होते हैं। और एक ये लिया है पूरा पैक बिस्किट का, और दो गुड्डे के पैक लिए, तो ये मारी गोल्ड का बिस्किट का पैकेट, और इसके साथ ही दो मैंने ये पर्स लिए। तो मुझे एक ये वाला तो लेना ही था एक्चुअली, अभी उस दिन जब मैं गई थी टेलर के यहाँ तो फ़ोन में हाथ में पकड़े हुए थी। हाथ में क्या है, इस तरीके से पर्स मैं जब ज़्यादा रुपए लेकर जाती हूँ तो फिर पर्स में पैसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि पर्स में भूल जाती हूँ काउंटर पर रखकर, या फिर हैंगिंग वाले बैग में भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ बहुत ही अच्छा खासा धोखा हो चुका है। पूरा पूरा मेरा पर्स ही चोरी हो गया, जिसमें सारे आईडी कार्ड और बहुत ही अच्छा अमाउंट था, सारा सब कुछ मेरा चला गया था। तो अब थोड़ा सा डर रहता है, तो मैं पैसे ऐसे हाथ में नहीं पकड़ती हूँ और ना ही फ़ोन ऐसे पकड़कर। फ़ोन हाथ में उसने ले गई थी टेलर के यहाँ, तो टेलर के यहाँ मैंने काउंटर पे फ़ोन रखा, उसको मैं बता रही थी डिज़ाइन ऐसे ऐसे और मैं चल दी। वो तो भैया क्या हम लोग सालों से जाते हैं और वो बहुत मतलब ठीक है, तो उन्होंने तुरंत ही आवाज़ लगाई कि आपका फ़ोन रह गया है, तो फिर मैंने उनके यहाँ से फ़ोन ले लिया। और इसमें मेरा फ़ोन भी आ जाएगा, तो ये बहुत मतलब हैवी तो नहीं है, हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, रेगजीन का है, और इसमें बहुत सारे कलर थे, ब्लैक भी था, वाइट था, ग्रे था, और एक ये छोटा वाला पर्स है, ये मुझे अच्छा लगा। इसका क्या है कि इसको हम हाथ में भी कैरी कर सकते हैं, देखिए गिरेगा भी नहीं। सेकंड चीज़ इसमें देखिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, साथ ही साथ इसमें कार्ड रखने की जगह है, एक छोटी पॉकेट दी गई है। और इस तरीके का पर्स जो हम हैंग वाला बैग होता है उसके अंदर भी कहीं साइड में कोने में डाल सकते हैं थोड़े बहुत पैसे रखकर। और ये वाला मैंने ले लिया है मार्केटिंग के लिए, मेरे पास बड़े वाले पर्स हैं जो थोड़े से हैवी हो जाते हैं हाथ में पकड़ने में, तो अगर डेली वाला जो मार्केटिंग होती है, तो यहाँ पर चैन भी दी गई है, इसमें दो चैन की पॉकेट है, यहाँ पर साइड में जगह है, पीछे कार्ड लगाने की जगह है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और कितने का मिला होगा बताइए, अच्छा कितने लोगों ने गैस कर लिया कि दोनों पर्स कितने कितने के होंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये मुझे मिले हैं दोनों ही 99 रुपी के, इसमें यहाँ पर टैग भी लगा हुआ है 99 रुपी, और दोनों की क्वालिटी बेस्ट है, सुपर है एकदम से। और ये इसमें भी बहुत सारे कलर थे, बट मुझे ये ब्लू अच्छा लग रहा था। और इसमें जैसे ना इसकी ये डिज़ाइन चैन इससे मिली हुई है, जब हम चैन को ओपन भी करते हैं तो पर्स पूरा ओपन नहीं होता है, जितना हम करना चाहेंगे उतना होगा। इसके साथ इसमें एक और डिज़ाइन थी, चैन उसके अंदर दी गई थी और ये वाला पार्ट बाहर को निकला हुआ था, उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी डॉल्स को ड्रॉ किया गया था, बट मैंने वो वाला पर्स नहीं लिया, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इतनी सारी शॉपिंग करने पर मुझे मिला है ये गिफ्ट हैम्पर, तो आज का दिन अच्छा है ना, आज मुझे दो गिफ्ट मिल गए हैं, एक मॉर्निंग में मिल गया था और वहाँ पर ये मुझे मिला है 5000 से ज़्यादा शॉपिंग करने पर। तो इसमें है 4 पीसेस, ये आपको दिख जाएंगे, तो एक काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से 4 पीसेस का स्टील के डिब्बे का सेट है। तो ये आज का हमारा गिफ्ट हैम्पर है, और आज मॉर्निंग में भी बैंक की तरफ से मिला था, और काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है, और उसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, जब करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे वो लगे हुए थे, क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा वहाँ पर क्रॉकरी का सारा सामान लगा हुआ था, और रेट भी बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, मतलब जाओ तो बहुत अच्छा लगता है सबको। सो गाइस, मैंने आपके साथ यहाँ पर मेरी शॉपिंग शेयर कर दी है, तो बस अब लगभग दिवाली की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, तो थोड़ी सी क्लीनिंग भी चलती जाएगी, जो कुछ सामान रह रहा है धीरे धीरे कर हम मार्केट से वो भी लाते जाएंगे। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। आई रियली होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा मेरी शॉपिंग, आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।